जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर के बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। बुढ़ापा पेंशन बड़ी खुशखबरी आई है पेंशन लेने वालों, हो तो ये जरूर देखो वीडियो। वहीं बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी से लेकर सरकारी अस्पतालों तक के चक्कर लगाने वाले पात्र लोगों के लिए अब पेंशन बनवाने की राह एकदम आसान हो गई है। इस योजना के शुरू होने से ऐसे लोगों को पूरा लाभ मिलना शुरू हो गया है जिन्होंने पेंशन की स्कीम होने के उम्र होने के बाद कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमारे कर्मचारी मुख्यालय की ओर से मिलने वाली सूची में भी शामिल लोगों के घर जाकर पूछताछ करती है और पात्र लोगों की पेंशन इसके बाद तुरंत शुरू हो जाती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी, पीपीपी से आसान हुई पेंशन पाने की राह। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को पीपीपी से जोड़कर पेंशन के पात्र लोगों को बड़ी राहत देने का काम किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 7 अप्रैल को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जब योजना का शुभारंभ किया था तो समाज कल्याण विभाग के मुख्यालय की ओर से जिले के 79 लोगों की सूची भी भेजी गई थी, जिसके बाद 216 लोगों की सूची में मुख्यालय को मिली है। इस सूची के आधार पर पेंशन की शर्तों को पूरा कर पाने वालों के पास विभाग के कर्मचारी पूछ रहे हैं कि उन्हें पेंशन चाहिए या नहीं। इसका कारण यह भी है कि कई वृद्ध दूसरे स्रोतों से पेंशन ले रहे हैं जबकि कई अन्य कारणों के पेंशन योग्य नहीं होते हैं, और जो लोग इन कर्मचारियों को पेंशन का हकदार मानते हैं विभाग की ओर से उनकी पेंशन तत्काल शुरू की जाती है। तो दोस्तों जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ हमारे वीडियो को अंत तक